गोड्डा के पड़ैयाहाट अंचल कार्यालय में एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए अंचल सहायक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अंचल सहायक वंशावली बनाने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। पड़ैयाहाट प्रखंड के कठौन गांव के निवासी महादेव मंडल ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इस बात की शिकायत की थी। उनसे वंशावली बनाए जाने के नाम पर अंचल सहायक मंजूर इलाही द्वारा रिश्वत मांगा जा रहा था। इसके बाद ये पूरा जाल बिछाया गया, जिसमें अंचल सहायक मंजूर इलाही 5,000 रुपए रिश्वत पर वंशावली बनाने के लिए राजी हुए। और फिर आज जैसे ही अंचल सहायक को रिश्वत दी गई, मंजूर इलाही रंगे हाथों एसीबी की टीम के द्वारा दबोच लिए गए। वे अपने साथ तुमका ले गए, साथ ही महादेव मंडल के अनुसार उन्हें पिछले 5 माह से तोड़ाया जा रहा था। शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देशानुसार गोड्डा जिला के सभी थानों में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान ब्लैक फिल्म लगे वाहनों से ब्लैक फिल्म हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गोड्डा के नगर थाना के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें गाड़ी की कागज हेलमेट की जाँच की गई और चालान भी काटा गया। आज समाहरणालय स्थित सभागार में भारत की जनगणना 2021 हेतु अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय पीएम कुजूर एवं अनुमंडल पदाधिकारी महागामा हरिवंश पंडित के द्वारा जनगणना 2021 को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज 5वें दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बिहार के शिक्षक की मौत। पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के हसडिया भागलपुर मुख्य मार्ग झारखंड लाइन होटल के समीप अज्ञात ट्रक वाहन की चपेट में आने से बौंसी थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी सुनील कुमार मुर्मू 49 वर्ष की मौत हो गई। ये घटना गुरुवार देर रात 8 बजे की बताई जा रही है। कहाँ पर? कमरा दो क्या नाम है उनका? सुनील कुमार कहाँ के रहने वाले? बिहार के। कहाँ पे? ग्राम है डुमरिया, उस चुआ पानी थाना बौसी अंडर ब्रैकेट बंदुआ चुरा जिला पाका। कैसे घटना हुई है? कैसे घटना हुई तो गाड़ी से आ रहे थे हसडीहा से या कहाँ से स्कूल से लौटने के क्रम में घर में तो ये बोल के गए थे कि हम आज जाएंगे मार्केटिंग करके आएंगे, उसी क्रम में स्कूल से लेट करके आए कैसे घटी? घटना घटी रोड एक्सीडेंट बताया गया। हम लोगों का सूचना मिला कि ऐसे ऐसे है, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी गाड़ी के भीड़ भाड़ था, उसी में करते हुए वहाँ गए तो सब के नहीं उठने दिया, लोग एम्बुलेंस के मांग किया, एम्बुलेंस वहाँ पहुँचा, एम्बुलेंस उठा के हम लोग सब लेकर सदर अस्पताल भेजा गया। मेरा बाद वहाँ से कुछ मैडम होने के बाद पीछे से छानबीन चल रहा है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। आज DRDA स्थित सभागार में उपायुक्त सुनील कुमार के द्वारा जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नरेगा 14वीं वित्त आयोग निधि में संचालित योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं SBM के विभिन्न पहलुओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।